अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारी हो खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर में हम बात करेंगे न्यूज़ लेटर के अबाउट कि स्केयर स्पेस के अंदर किस तरह से आप न्यूज़ लेटर ऐड कर सकते हैं और ऑलरेडी एडिटेड है तो किस तरह से उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मज़ीद इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूज़ लेटर ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके पास न्यूज़ लेटर का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो सिंपल आप क्या करेंगे, ऐड सेक्शन करेंगे और सिंपल यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म्स का ऑप्शन मौजूद होगा, उस वाले ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे। सिंपल यहाँ पे देखें हमारे पास फॉर्म्स का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे देखें डिफरेंट तरह के न्यूज़ लेटर्स मौजूद हैं। आप कोई भी न्यूज़ लेटर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिस भी सेक्शन के अंदर आप ऐड करना चाहें। अभी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास इसका सेटिंग आ गया। सेटिंग के अंदर यहाँ पे देखिए हमारे पास कंटेंट है, जो कि आप लोगों को ये कंटेंट नज़र आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। जो भी कुछ सीखना चाहो, जो भी कुछ रिप्लेस करना चाहो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे पोस्ट सबमिशन, इसको अभी के लिए आप छोड़ दें। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं डिज़ाइन के ऊपर। डिफरेंट तरह के यहाँ पे डिज़ाइन मौजूद है, स्टैक करना चाह रहे हैं, फ्लोट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टोरेज का, तो यहाँ पे देखें क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड टू मेलिंग लिस्ट। तो किस तरह की आप यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी मेलिंग लिस्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे मेलथिप हो गया या बाकी सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर कन्फर्मेशन ईमेल सेंड, वेरीफिकेशन ईमेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। व्यू इन प्रोफाइल, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। इसको हम आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को वो सारी चीज़ें किस तरह से रिसीव होंगी, राइट। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग। दोबारा हम कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे हमने एक ऑप्शन छोड़ा था पोस्ट सबमिट का, सिंपल इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप देखें कि पोस्ट सबमिट के बाद आप किसी जगह पे आप किसी यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो कि यूज़र यहाँ पे वो चीज़ें सबमिट करो, उसके बाद रीडायरेक्ट हो जाए इस पर स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर, या उसको किस तरह का मैसेज नज़र आए, यहाँ पर थैंक यू कोई और मैसेज आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स की सेटिंग्स कर सकते हैं अपने स्क्वेयर स्पेस की वेबसाइट के अंदर। आई होप आपको लोगों को समझ आया होगा किस तरह से आप स्क्वेयर स्पेस के अंदर न्यूज़ लेटर्स को एडिट कर सकते हैं और सेटिंग्स कर सकते हैं अपने डिजायर्ड सेटिंग। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट आने भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे।